यहाँ तो हमारे बैठक हुई है, सरकार ने रात हमें अधिकारियों के माध्यम से कि आज 11 बजे सीएम साहब हमारे साथ बोलना रहे थे। अभी उनका मैसेज भी आ रहा था कि वहाँ आपका इंतजार हो रहा है, अभी कुछ उसमें दिक्कत है, कोई जाने आने की प्रॉब्लम है वो होगा। अगर सीएम के साथ बातचीत होने में कोई दिक्कत रहेगी तो अभी हमारा आंदोलन जारी है। अगर बैठक हो जाती है, एक्शन प्लान तो है, हमारे सभी पूरी हो जाती है, तो वेलैंड कोड तो ठीक है, हमें कोई आंदोलन करना, सड़कों पे बैठने का कोई चाव नहीं है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर हमारी मजबूरी बनेगी, रोड पे बैठेंगे, आंदोलन लगातार चलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मांग ये है कि किसानों को गेहूं का उत्पादन घटा इस बार, उसके हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनसे अनाउंस करें। और भगवंत मान जी ने हमारे साथ एक बैठक में ये कमिटमेंट भी की है कि हम बोर्ड से अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया, वो नहीं किया, तो इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली की समस्या है, किसानों को इन्होंने ये भी एक वायदा किया कि आपकी जो बासमती की खेती करोगे उसके ऊपर हम MSP अनाउंस करेंगे, वो अभी तक नहीं करी। अगर MSP अनाउंस आज नहीं होती तो किसान कन्फ्यूजन में है, वो क्या करेगा, वो बासमती के लिए खेत छोड़ेगा या फिर दूसरी किस्म का पनीरी, आज पनीरी बीजने का समय, अगर किसान का आज पनीरी बीजने का समय निकल गया और फिर मतलब किसान के पास वो दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, इसके लिए आज वो करना बहुत जरूरी है। और देखिए, किसानों की जो बेचारे छोटी छोटी जमीन लेकर खेती कर रहे हैं, उनकी जमीन सरकारी जमीन के नाम पे उनका उजाड़ा किया जा रहा है, उनसे जमीन छीनी जा रही है, उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं, वो मांग है हमारी। जैसे इन्होंने पीछे क्या किया है, पूरे पंजाब नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, एक एक बड़ा शहर नेशनल हाईवेज के साथ जुड़ चुका है। अब ये भारत माला निकालने की क्या जरूरत पड़ी है भाई, लोगों को उजाड़ने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? हम लोगों को सड़क पे चढ़ने का था, जो पहले NH बने हैं उन पे भी मतलब अधिकार नहीं है। अगर हमने सड़क पे चढ़ना है तो पहले हम इनको टोल दें, पहले रोड टैक्स भरा हुआ फिर इनको टोल दें, और जो बड़ी सड़कें बन रही हैं उनके माध्यम से हमारे लोगों को गुजारा जा रहा है, वो बंद करें। अगर बनानी है तो फिर 28/7 की जो वार्ड बनता है उसके हिसाब से दें, ताकि सभी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके, उनका उजाड़ा काम का समय को असी पक्के तौर पर बैठिए, सरकार मसला हल करे, नहीं तो फिर असं बैठेंगे इतने बैठे। नहीं जो साड़ी मंगा मन लिया कि सा दिमाग खराब है, फिर असं उठ जावे, आके असं इतने अनाउंस करा, फिर लोग अपने घर सियाणी हुई, क्योंकि असीं उन्हां दी लोक सरकार बनाई आ, असीं कहिंदे आ वी ना सरकार इम्तिहान लवे, ना सानू धुप च बिठावे, साडा वी कम दा समां, साडियां फौरन मंगा मंग लवे, असीं आपणे घर चले। उम्मीद की बनेगी की लगता उम्मीद पाजी की आज सहमति पिछली बार मीटिंग हुई थी गल्लेवाल साहब कहते थे, मेनू लगता कोई अच्छी सहमति बनी नहीं, सानू कुछ एदे विच लग्या नहीं, की लगता इस बार कुछ सहमति ₹1500 ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 1500 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 5000 ਮੰਗੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੂਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ सरकार मन चुकी पर लागू नहीं किया जिम्मे कणक बोनस की मांग की सरकार मन चुकी सी बोनस देने की पिछली मीटिंग मुख्यमंत्री साहब भी अभी देंगे पर ऐलान नहीं किया इस दे नाल जिहड़ा मूंगी मक्की ते बासमती फसल जी उहनूं MSP ते खरीद करन दा वी सरकार ने मन्निया लगातार मीडिया राहीं वी मन रहे ने पर उहदा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया इस दे नाल साडी मंग आ वी जिहड़े बासमती दा घट्टो घट्ट पहाड़ा 4500 बैठे जाए तां वी झोने दी फसल तों बचिया जा सके जिहड़े कुछ पानी बचाउण दी गल आ ना जी साडे सरकार दे वल्लों पंचायती जमीनां दे नां ते आबाद कर ले किसान जिन्होंने 3-4 जमीन आबाद की है उन्होंने जमीन जी जबरी खोई जा रही तुरंत बंद करके मालकी हक देने साड़ी मंगा ने जी बिजली मंत्री साड़ी पिछली मीटिंग हुई है जो बिजली की समस्यावान ने नाल जी मोटर ने उन्होंने जी लोड वाधा फीस है बहुत सारे किसान जो करके पानी डूंग लाने करके व्डिया मोटर पाइया ने तो लोड वधाने लिए उन्होंने 48 रुपया प्रति किलोवाट जी देने पेंदे असं मांग की 1200 रुपया प्रति जरा किलोवाट किए जा सारा साल जी स्कीम चालू रखी जाए इस तमाम साड़ी होर दंगा ने जिन्हें चिप वाले मीटर ने लाने वंट की सारिया मंगा लगे अच्छे असं ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਭ ਚੱਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਸੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀਐਮ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ थोड़े समय पकड़े बीज लाओ पर बीज मुहैया नहीं कराए गए किसानों ने पहली दर्ज से ही बीज बीजे ने जो घट ज्यादा समा लेते हैं और बाद जे लेट होगी तो नवी जो मौसम शुरू होने पकड़ के समय नमी की मात्रा वाध जाने जिसे करके साढ़े किसान की मंडिया की फिर जी बड़ी खजल वाली लुट होंगी प्रति क्विंटल 100-150 रुपए घट हो जाए इस करके साड़ियाँ मंगा लैके